प्रेज द लॉर्ड। जैसे कि हमने परमेश्वर का वचन देखा कि नूह के समय और सदम और मोरा के समय लोगों ने अपने पापों के वजह से अपने जीवन को खो दिया और वे लोग परमेश्वर की महिमा से वंचित रह गए क्योंकि उन्होंने पाप किया था। आज जब हम देखते हैं कि इन सब चीजों को जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर का जो वचन है वो सच में स्थिर है। परमेश्वर ने कहा कि तुम पाप ना करना। जब आदम ने परमेश्वर की आज्ञा न मानकर पाप किया, हवा ने पाप किया और परमेश्वर ने जो आज्ञा दी थी उसके विरुद्ध वे काम किए और परमेश्वर की नजर में उन्होंने पाप किया, तो बाइबल बताती है कि इस पाप का जो वेतन है वो मृत्यु है। रोमियो को 6:23 इस प्रकार कहती है बाइबल, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। हालेलुया। अगर हम पाप करेंगे मेरे प्रियो, अगर हम परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानेंगे, अगर परमेश्वर के नियम के खिलाफ चलेंगे, परमेश्वर उस चीज से हमको जो वेतन मिलने वाला है परमेश्वर ना देकर हमारे पाप के लिए, हमारे पापों के जो काम हमने किए उसका जो पगार है, उसका जो उसकी जो मजदूरी है, उसकी मजदूरी हमें मृत्यु ही मिलने वाली है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि तुम पाप ना करना। अगर तुम्हें क्रोध हो रहा है तो तुम पाप मत करो। तुम गुस्सा तो कर लोगे लेकिन उसमें तुम पाप को जाहिर मत करो। तुम एक दूसरे की हत्या ना करो, तुम एक दूसरे को गलत ना बोलो। परमेश्वर कह रहा है कि अगर तुम पाप करोगे तो उसका जो प्रतिफल है, उसकी जो मजदूरी है वो मृत्यु है। और लेकिन जब हम पाप नहीं करके परमेश्वर की बातों को मानेंगे तो यीशु मसीह के उस लहू के द्वारा हमें उस जो वेतन मिलेगा वो अनुग्रह, शांति और उसकी करुणा का मिलेगा, अनंत जीवन का मिलेगा। हालेलुया। आज का यही मैसेज है कि आप पाप ना करें लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह को अपना ले, क्षमा मांगे, प्रभु के पास आए, वो आपको अपनाएगा। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको इस वचन से आशीषित करे, पाप ना करे लेकिन परमेश्वर के नियम पर चले। हालेलुया। पाप की जो मजदूरी है मृत्यु है। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। पाप ना करें।